इसे करके जो इतिहास पढ़ते हैं तो हैरान होईदा है भी अपने गुरु साहब कहिंदे है तू मैनू बाहर कढ दे। जदों दोदे ने कहा ना महाराज नू दोदा आपां इह भी इतिहास सुनाया सी शनिवार एक दीवान विच मैं सुनाया सी भी जदों करतारपुर वसाउण लग्गिया ते दोदे नू गुरु साहब सच्चे पातशाह ने आख्या गुरु साहब ने आख्या भी दोदिया दोदा कहिंदा जी महाराज दुध छक लो महाराज कहिंदे तू भी छक लै कहिंदा जी मेरा ते दुध है मैं की छक लां मेरे ते घरों आया महाराज कहिंदे तेरा दुध है कहिंदा जी मेरी मझ दा है कहिंदे ते फिर मझ दा होया कहिंदे मझ मेरी है कहिंदा जी मझ मेरी है गुरु जी कहिंदे मझ तेरी कित्थे होगी बई वह भी किसी मझ दी जाई होएगी उदू पिछे भी कोई मझ होनी है कहिंदा पैसे दे के ते मैं खरीदी है अच्छा महाराज कहिंदे पैसे दे के खरीदी है तू हाँ जी महाराज कहिंदे अच्छा फिर पैसे कित्थों आए कहिंदा जी फसल तो कहिंदे फसल कित्थे होई कहिंदे जी जमीन विच महाराज कहिंदे जमीन कीदी होई कहिंदा जी रब दी होई फिर महाराज कहिंदे रब दी जमीन च फसल बीजी मालक ने दित्ती मालक दी मालक दा ही दित्ता होया पानी लाउंदा है मालक दा ही सूरज चढ़ता है मालक दा ही सारा चंद्रमा विच चंद्रमा ना होवे ते साडी फसल च रस नहीं भरना चंद्रमा भी ओहदा ही है सूरज भी ओहदा ही है धरती भी ओहदी होई है कहिंदा हां जी बरसात भी ओही पाउंदा है ओहदी खेड ही है कहिंदा हां जी फिर फसल हो गई फिर ओहदे तो माया आई ते माया कादी होई फसल कीदी होई कहिंदा रब दी सूरज ना चढ़े कित्थे फसल होजू परमात्मा दी कहिंदे फिर पैसे कीदे होए कहिंदे परमात्मा दे कहिंदे फिर मझ कीदी होई कहिंदे मालक दी कहिंदे दुध कीदा होया कहिंदे मालक दा कहिंदे कमलिया तू एवें अपने नां करी जाना भी मेरा ही दुध है आखो सतनाम कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा तेरा तुझ को सौंप दे क्या लगे मेरा। हुण मैनू ये दसो भी ये गल तुहाडे किहदे समझ च नहीं आई है गल ते क्लीयर ही है फिर मेरे बच्चे कित्थों हो गए मेरिया मझां कित्थों हो गई मेरी जायदाद कित्थों हो गई। ठीक है दुनियादारी चलती इदां भी मेरे नां बोलदे ने पंज सत दस किले मेरे नां घर है पर मेरा कित्थों हो गया दुनियादारी च मेरा नां मेरे मां प्यो ने दिता एक नाम दिता मैनू संसार ने सानू साडी बॉडी नू एक नाम दिता पर इस गल नू इस नुकते नू क्यों नहीं साडा दिमाग क्लिक करदा आ निक्का जिहा नुकता क्यों नहीं दिमाग च बहिंदा साडे यही होमे रोग है होर की है होमे रोग यही है यह है होमे का पड़दा रब का ते सच परमात्मा की होंद का ते होमे का आपस में विरोध है जदों मन ऐ मनू भी मैं हाँ उन्ना चिर तू नहीं जदों मन मनेगा भी तू है फिर मैं नहीं जे दुद्ध ऐ समझूगा जिन्ना चिर ऐ समझेगा भी मेरा है दुद्ध मेरी मझ है उन्ना चिर उन्हूं सारा कुछ मेरा ही लगना है जदों समझ आई भी परमात्मा का सूरज चढ़ता है तू दस की कर लेगा बिच परमात्मा पानी पैदा करता है परमात्मा की खेड है सारी फिर आप ही कहेगा भी मालिका तू ही तू है ना। तो जदों वेखियो सुनियो गुरु नानक पातशाह जी कहिंदा है दोदिया फिर किवें दस बई दोदा कहिंदा महाराज ये तो गल क्लिक हो गई वेखो बंदे दे एकदम क्लिक हो गई गल कहिंदा ठीक है तो गल ही बड़ी कमाल दी है भी उही है फिर इहदा मतलब करतार ही है हर पासे सूरज भी करतार दा ही चाढ़िया होया है चंद्रमा भी उस करतार दा ही चाढ़िया होया है धरती भी उस करतार दी पैदा कीती है मेरे साह भी करतार ही चलाउंदा है मेरे मां प्यो दे साह भी करतार ही चलाउंदा सी कहिंदा हाँ जी महाराज कहिंदे बिल्कुल समझ आ गई पकड़ आ गई तेरे गल पकड़ जा गई कहिंदा महाराज मैनू ते सारे पासे करतार ही करतार दिसी जांदा है मझां च भी करतार ही दिसी जांदा है घर वाली च भी करतार ही दिसी जांदा है बच्चियां च भी करतार ही दिसी जांदा है बस महाराज ऐ मस्त जिहा हो गया जदों मस्त जिहा हो के झूमण जे लग पिया ते गुरु जी ने कहा लै हुण इस करतार नूं फड़ लै अपने अंदर जफ्फा पा लै जफ्फा जफ्फा पा लै सुरत विच पकड़ लै कहिंदा महाराज आ गई गल पकड़ च एकदम क्लिक हो गई गल समझ आ गई। उस वेले फिर कहिंदा महाराज मैं ना जमीन बथेरी है मैं ना इत्थे एक नगर वसाउणा है महाराज कहिंदे फिर वसा लै कहिंदा तुसीं किरपा करो इदां दे समझ वाले इकट्ठे करके बहा दिओ एक जगह
ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲੈ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਸੇਗਾ ਜੀ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਮਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਪਕੜ ਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸੂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਪਕੜਿਓ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਮ ਸ਼ਹਿਜਾਦਾ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸਾਂ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਆ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਐਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਾੜਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਮਝ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਸ ਫਿਰ